आगरा में रविवार को उपद्रवियों ने ऐसा बवाल काटा कि पुलिस वालों की ये हालत हो गई। आप देख सकते हैं कि वैन में पुलिसकर्मी हाथों में पट्टी बनवा रहे हैं। वो गए तो थे अवैध कब्जा हटाने, लेकिन उपद्रवियों के तांडव ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। लेकिन इस बवाल के बीच एक तस्वीर निकल कर सामने आई है जो यूपी पुलिस को हैरान परेशान कर रही है। ये तस्वीर देख कर शायद देश की सेना की भी नींद उठ जाए। आगरा बवाल के बीच हम किस तस्वीर की और क्यों बात कर रहे हैं, चलिए वो देख लीजिए। आगरा में हुए बवाल के बाद घायल पुलिसकर्मी के हाथ में आप जो कील से लगा डंडा देख रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि इन्हीं हथियारों से पुलिस वालों पर हमला किया गया। आरोप ये भी है कि हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि राधा स्वामी सत्संग सभा से जुड़े सत्संगी थे। दयालबाग इलाके में जो वैध कब्जा हटाने का विरोध कर रहे थे, पुलिस के मुताबिक सेना की ड्रेस पहने हुए महिला सत्संगी पुलिस टीम के सामने लाठियों का प्रदर्शन करती रही। कई सत्संगी पुरुष भी सेना की वर्दी में नजर आए, लेकिन इस दौरान उन्होंने पुलिस टीम पर हमला बोलने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया उसने पुलिस को भी चौंका दिया है। इन डंडों के पीछे की कहानी जानेंगे तो आप भी सकते में आ जाएंगे। माना जाता है कि ऐसे ही डंडों का इस्तेमाल चीन की सेना करती है। गलवान घाटी में भी इन्हीं डंडों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस तरह के कील लगे डंडों का मकसद सिर्फ किसी की जान लेना हो सकता है। मतलब साफ है कि सत्संग सभा से जुड़े हमलावर लोगों के इरादे खतरनाक थे। वो पुलिस को मारने के लिए पूरी तैयारी से आए थे। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि कौन इसका आका है, किसके कहने पर ये जानलेवा डंडे तैयार किए जा रहे हैं, कील लगे डंडों की फैक्ट्री कहाँ बनी है, आखिर इन उपद्रवियों के हाथ में ये कील लगे डंडे कहाँ से आए, क्या ये सत्संगी थे या फिर सत्संगी के रूप में कोई आतंकवादी, कहीं इनका इरादा पुलिस को जान से मारने का तो नहीं था। बहरहाल इन सभी सवालों की बारीकी से जांच होना जरूरी है।